वेलकम फ्रेंड टू सिविल सर्विस कर्नर। तो आज आम गोटे नुआ क्वेश्चन डिस्कस करवा। तो प्रीवियसली आम कौ कौ क्वेश्चन डिस्कस करे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 फैक्टर लेड टू द सेपॉय म्यूटनी ऑफ 1857, एग्जामिन द रोल ऑफ बहादुर शाह जाफर रानीबाई, ये सब सेपॉय म्यूटनी जो रोल लिभे आम डिस्कस करे। आम लास्ट डिस्कस करते लॉर्ड रिपन तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकिन जो रिफॉर्म आनी भी आम डिस्कस करते, जो रिजोल्यूशन आनी तार प्रोविजन सब आम डिस्कस करते। तो एबे आज आम डिस्कस करवा वीडियो रे कौन ना, एग्जामिन द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो आम केमी क्वेश्चन कौ वे डिस्कस करूचे ना टाइम लाइन वाइज, फास्ट 1857, 1858, देन 1885। तो 1885 पाखापाखि ये क्वेश्चन अच्छी, तापर आम जो जोटा जीवा 1905 एमती 1947 जाए जहाँ जहाँ इवेंट होती पूरा कम्प्लीटली कवर करवा, जोटा कि आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे पचारी। तो आम एवं जीवा क्वेश्चन को, क्वेश्चन रे कौन कह एग्जामिन द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। व्हाट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस जानी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फाउंडर जानी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जो प्रेसिडेंट जो अधिवेशन होता फास्ट प्रेसिडेंट किए होते जानी थी। तो ये सब जिन प्रिलिम रे तुम्हें आपियर कर, जो मैंने प्रिलिम आपियर करना कि प्रिलिम पढ़ुंपी ये सब इम्पोर्टाट, जे आईएनसी विषय पूरा डिटेल आइडिया रखा दरकार। आईएनसी इज भेरी इम्पोर्टाट इन टर्म्स अफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो आम जा क्वेश्चन को एवं देखा, तो इंट्रोडक्शन आम कौन लिखिपर मुझे जो जो टिप्स देची बा हिंट्स देची, एटा सबू गोटे ओवरऑली ब्रॉड हिंट देची, तो ताकू तुम कंप्रेस करके भी लिखिपार, तुमको जो जिनसा ठीक ठाक लगुच तुम लिखिपार। एवरी आंसर इज नॉट ए एक्चुअल आंसर, तेणु तुम्हें जो जिनसा जो पार्टा भल लगुच इंपोर्टाट लगुच से जिनसटा ही मुझे कहबी आउ तुम मेनसन कर तुम आंसर में। तो देख ये कौन लिखाई दम बिटवीन द इयर ऑफ 1870 एंड 1880 इंडियन पीपुल हाड बिकम पॉलिटिकली कॉन्शियस एंड बाय द ईयर ऑफ 1885 देर वाज ए प्लेटफॉर्म रेडी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन नेशनल बेसिस। द क्रेडिट फॉर गिविंग ए डेफिनेट स्ट्रक्चर टू ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन गोज टू द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर अलान ऑक्टेवियन ह्यूम। ही वॉज ए लिबरल माइंडेड पर्सन, ह्यूम हैड बीन फीलिंग ए नीड फॉर ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन which would bridge the gap between the ruler and the people being ruled. So Hume wanted people to adopt the path of valid politics instead of violence and aggression. With the effort of Mr. Hume, Indian National Union was formed. Dekho, Indian National Congress no, Indian National Union was formed before the establishment of Indian National Congress. Tapre kon kahuchi na, Hume obtained the permission from Lord Dufferin to convene a meeting of Indian National Union between the 25th December and 31st December in Pune. The objective of the meeting was to acquaint the workforce with one another which was working for the national development and define a political agenda for the development. Then kon kahuchi na, although the place of convention was decided to be Pune, it was changed to be Mumbai in the last minute. The convention was held at Mumbai on 28 December 1885 in Gokul Das Tejpal Sanskrit College. At the suggestion of the Sir Hume, the meeting was named as Indian National Congress. But it was suggested by का द्वारा दादा भाई नारोजी, तो जोटा कि एटी आम मेनसन करीचु, बट आफ्टर द सजेसन अफ दादा भाई नारोजी इट नेम वाज चेंज टू इंडियन नेशनल कंग्रेस। बट ओवरअली सजेसन से क्या देते आलान ऑक्टेवियन ह्यूम को से जो अधिवेशन होता सही तेणु बेस करी इंडियन नेशनल कांग्रेस नेम होता। एंड तस इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बर्न। देर वाज 72 रिप्रेजेंटेटिव इन दिस कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड उमेश चंद्र बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सब पार्ट जो तुम एलिमिनेट कौ कौटा कर ये बिटवीन एति जो टाइम लाइन देखिए तुम एलिमिनेट कर, कि से जो किए प्रेसिडेंट हेले ताकू भी तुम्हें न लिखिले भी चलो, बट फाउंडर को लिखो कौन पाई ना फाउंडर तो निहाती
रहा दरकार आउ इफर्ट नहीं थे लॉर्ड डफरिन लॉर्ड डफरिन किए थे तुम्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर समस्त जान थ लॉर्ड डफरिन किए थे से थिले कौन ना वायसराय तो वायसराय थिबा टाइम रे आगर किए थे आउे किए हेले मेंशन कर आउ डफरिन कौन कौन सब टाइम रे कौन कौन सब इवेंट होता तुम्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर जोटा कि तुम जो मैंने प्रिलिम दौंप आप्लिकेबुल हे जोटा कि आडभांटेज हे तो एबे आमे देखिबा आउ गोटे पार्ट जोटा कि एस्टाब्लीशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एटा पुणी आउ थे रिपीट होती तुम एलिमिनेट कर ए क्वेश्चन रे द आईएनसी वाज एस्टाब्लीश्ड इन 1885 बाय एलन ऑक्टेवियन हुम ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हु वाज स्टेइंग एट सिमला पोस्ट रिटायरमेंट ही इनवाइटेड मेनी इंडियन लीडर्स रिगार्डिंग द इंडियन कॉज एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन बट आफ्टर द सजेशन ऑफ दादाभाई नारोजी इट इज नेम्ड वाज चेंज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस द वर्ड कांग्रेस वाज टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सो व्हाट आर द रियल रीजन फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तेणु से कौन कही व्हाट सर्कमस्टेंसेस यही सर्कमस्टेंसेस आम जो डिस्कस कले प्रीवियसली सर्कमस्टेंसेस इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टाब्लीश है बट तुम रीजन भी मेनसन करने पड़ो कौन पे ना इट इज ए 10 मार्क क्वेश्चन तेणु तुमको से वार्ड से पखापाखि वार्ड में जहाँ भी तुमको मेनसन करने पड़ो आउ ताले कौन कहूँ ना देर आर टू ब्रॉड थियोरीज बिहाइंड दिस फर्स्ट इज माइथिकल थियोरी तो माइथिकल थियोरी कौन कहूँ ना इट सजेस्टेड दैट इट वाज द ह्यूमानिस्टिक अप्रोच ऑफ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम दैट वाज साइटेड एज वन ऑफ द फैक्टर दैट लेड टू एस्टाब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी इन फैक्ट इट वाज सेड दैट ह्यूम वाज डीपली मोव्ड बाय पॉलिटिकल प्लाइट ऑफ द इंडियन and he wanted to establish a political platform for Indians that could serve as the voice of Indian, voice for Indian, so that the grievances could reach the British and discontent which was gradually growing between the British ruling system and Indians could be minimized. The biographer of Alan Octavian Hume, William Wedderburn, who later on also became the president of INC, was well डीपली बिलीव इन द ह्यूमानिस्टिक अप्रोच ऑफ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को प्रेज करा जाएगी बस तांकर जो ह्यूमानिस्टिक अप्रोच को इथरे मेंशन हिची तेणु तुम टास्क कौन ना विलियम वेडरबर्न कौ टाइम रे बा कौ ईयर रे प्रेसिडेंट थिले आउ तांकर टाइम रे जो सेशन हेतला आईएनसी सेशन सेटा कौठी हेतला तुम सेटा मेंशन करियो तो एबे आमे देखिबा नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट थ्योरी कौन अछि नेक्स्ट थियोरी आमर अच्छी रियलिस्टिक थियोरी जोटा कि आम सेफ्टी वाल्व थियोरी कहते द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट इन इंडिया लाइक लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्रपाल एटसेट्रा लेट डाउन द थियोरी ऑफ सेफ्टी वाल्व थियोरी ताले लाला लाजपत राय कौन कहले ना से दुटा बुक लिखी थे अनहैप्पी इंडिया एंड पंजाबी तो ही रोट टू बुक्स अनहैप्पी इंडिया एंड पंजाबी इन दिज टू बुक्स ही एक्सप्लेन्ड एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रिगार्डिंग द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी से कहते जे आईएनसी जो एस्टाब्लिशमेंट है यहाँ ब्रिटिश रही चलता तो कौन पर यहाँ कौन देखा अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ लॉर्ड डफरिन एंड एलन ऑक्टेवियन ह्यूम दैट लीड टू द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द आईएनसी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी with the growing tide of nationalism the aggression of indian kept on increasing against the british policy thus the british think tank derived a concept by which it was said that in between the british government in india and indian public there would be a buffer organization known as indian national congress ame padithile indian national congress heba aguru kette sabu political organization establish heitla to sei political organization कौन पे इतला ना ब्रिटिश रो जो शासन करतला हमकु बा तार जो एडमिनिस्ट्रेशन थिला ताकू बेस करी कि हमरो इंडियन माने पूरा जानी जाइतले जे ब्रिटिश जेतु एटा गोटे एलाइन पावर बा फॉरेन पावर हमकु कौन करिया पे पड़िबो गोटे ऑर्गेनाइज वे रे ताकू रिटर्न करिया पे पड़िबो बा वे बैक करिया पे पड़िबो सेति पे से कौन माने सही जिंसटा ब्रिटिश भी रियलाइज करतला केते बेले ना सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी तेणु से टाइम कौन कला ना ब्रिटिश गोटे पॉलिसी आनला किए आनले ना लॉर्ड डफरिन एंड एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जोटा कि आमर रिवोल्ट ऑफ 1857 जमी अच्छी से रिपीट न हो बा जो
प्रोटेस्ट जो टाइप रोचे विद्रोह जो करमी सिचुएसन न आसू ताकू आग को देखिकी इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टाब्लीशमेंट होता है से कौन किए लाला लाजपत राय तेणु तस् द आईएनसी वुड वर्क आज ए बफर ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस गोटे बफर ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से कम कर क्या भितर इंडियन पीपुल भितर आउ ब्रिटिश आउ इंडियन पीपुल मझीरे ये आईएनसी रोटा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन दिज टू ताकू कहते हमें बफर ऑर्गेनाइजेशन और इन अदर वर्ड इट वुड वर्क आज ए सेफ्टी वाल्व द सेफ्टी वाल्व थ्योरी गट ए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द पॉलिटिकल सर्कल्स ऑफ इंडिया बट एटा सब इम्पोर्टेंट बट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न एनालिसिस द आईएनसी वाज ए रिजल्ट ऑफ मेनी ए रीजनल कॉन्शियसनेस यूनाइटिंग टुगेदर अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमनलिटी ऑफ इंटरेस्ट इन फैक्ट विद द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इटसेल्फ देयर वर मेनी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वर एस्टैब्लिश्ड बाय सोशल रिफॉर्मर एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज लीड टू पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस दुटा जाक थीओरी को से बालांस करके कनक्लूजन रिप्रेजेंट हो जोटा कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट गोटे आंसर लिखापी तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड थैंक यू।